श्री विष्णु पुराण आठवां अध्याय भगवान विष्णु की आराधना और चातुर्वर्णय धर्म का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगर ने और उसे पूछी थी। उनके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि श्रेष्ठ, सगर ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और वो बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही वह सब प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष भगवान विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन भगवान विष्णु ही का यजन करता है। जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय है। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए वैदिक धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की ही उपासना करता है। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान के शिव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त रागादि दोषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष भगवान विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सागर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और वो बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्र चित्त होकर क्रमशः श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दे, यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करे, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण करे और अज्ञेय ध्यान आदि कर्म करता रहे। ब्राह्मण को उचित है कि व्रती के लिए दूसरों से यज्ञ करवावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्याय अनुकूल द्रव्य संग्रह करें।
ब्राह्मण को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराए रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रिय को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। शस्त्र धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय की उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्ट तर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञादि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधु जनों का पालन करने से अपने अभिष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उनके लिए भी विहित है। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्वि जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन पोषण करे, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं के लेने बेचने अथवा कारीगरी के कामों में निर्वाह करे। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तय, सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म है। हे राजन, शूद्र को भी उचित है कि दान दे, बलि, वैश्व देव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि कर्म करे, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करे और ऋतु काल में अपनी ही स्तुति से प्रसंग करे। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानुता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकपणता और किसी के दोष न देखना, ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सभी वर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आपत धर्म और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की व्रति का अवलंबन करना चाहिए, तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य व्रति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म अर्थात सेवा आदि कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त व्रतियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें। केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता अर्थात कर्मों का मेल न करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया, अब आश्रम धर्मों का निरूपण और करता हूँ। सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में आठवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।